नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है बुल्ट की तरफ से चार्जर। थैंक्स फॉर बुल्ट, आपने रिव्यू के लिए मुझे चार्जर भेजा है। सबसे पहले खोल लेते हैं। एक मैनुअल आती है, इसके पास ये अडैप्टर आता है और इसके पीछे यहाँ पर पिन लगी रहती है और यहाँ हमारी यूएसबी की केबल लगेगी। ठीक है, तो फ़िलहाल इसको साइड में रख देते हैं। इसके अंदर हमें मिलेंगी इसकी केबल्स, जो हम अपने हैंडल में अदर जिस जगह पर आपको सेट करना है वहाँ पर माउंट कर सकते हैं। ये उसका होल्डर है, यहाँ केबल आएंगी और ये हमारी बैटरी से कनेक्ट करने के लिए वायर आएंगे। इसका एक बैग भी आया मेरे पास, बैग भी दिखा देता हूँ। जो हम अपने बैग दे रखा है इन्होंने, इसको हम अपने नेविगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं टैंक पे होल्ड करके, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। इसकी बेल्ट है, ठीक है, फ़िलहाल इसको रख देते हैं। फ़िलहाल मैं एक डेमो पीस करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और ये क्या काम करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की जो क्लासिक की बैटरी होती है उसको है। एक बार मैं ये वायर इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। लाल और ब्लैक, प्लस माइनस, सिंपल है। इसको लगा देने के बाद इसके अंदर हमारी जो करंट की सप्लाई लाइन चालू हो चुकी है, पर अभी जब तक हम इसको नहीं लगाएंगे हमारा अडैप्टर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर वायर दे रखें, सिंपल इसको इसके अंदर लगाना है और जैसे लगाएंगे यहाँ पर चार्जिंग की लाइट जलने लगेगी। इसके बाद हम अपनी यूएसबी केबल को इसके अंदर लगाएंगे। ये लगा दी। अब हम अपने एक फ़ोन यूज़ करेंगे, कोई सा भी, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो सकता है। और जैसे हम फ़ोन को लगाएंगे इसके अंदर यहाँ चार्जिंग नज़र आने लगेगी आपको, और डिसकनेक्ट करेंगे, डिसकनेक्ट हो गई। एक बार दोबारा लगाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जितनी भी वायर है इसको पीछे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं काम करता है। तो ये हमारा अडैप्टर है, इसको जैसे हम इसके अंदर लगाएंगे यहाँ लाइट चालू हो गई और अब देखेंगे कि हमारा फ़ोन चार्ज होता है या नहीं। तो अब देख लेते हैं अपना फ़ोन लगा के काम करता है या नहीं। आप देख सकते हैं चार्जिंग होने लगी है और कर देते हैं डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और चार्जिंग चालू हो जाएगी। और जैसे ही हमें लगता है कि यार चार्ज हो गया तो इसको आप आराम से अनलॉक कर दें, बस इसको ऐसे रहने दें। तो यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।